ईगल्स की आईसाइट बहुत शार्प होती है, देखते हैं आपकी आईसाइट कितनी शार्प है। कैन यू सी वन फ्लाइंग ईगल? किधर? इधर। हाँ, विंग्स मिसिंग है। ओ एक मिनट, थोड़ा डार्क कर देता हूं, अंधेरे में कैसे नजर आएगा, अभी दिखाता हूं। लाइट्स, तारा, इजंट दैट कूल? देखा आपने कैसे मैजिकली इसके विंग्स अपीयर हो गए। ये एक स्पेशली डिजाइन लैंप है, इसकी इमेज कंप्लीट होती है जब लैंप ऑन होता है। राइट, तो क्या आप भी बनाना चाहते हैं ऐसे ही एक इनकम्प्लीट आर्ट लैंप? चलिए बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए कार्डबोर्ड बॉक्स, बॉक्स बोर्ड, पेंसिल, राउंड टिप सेफ्टी सीजर्स, कलर जेल पेपर एंड ग्लू। तो चलिए बनाते हैं एक इनकम्प्लीट आर्ट लैंप। सबसे पहले लेंगे एक कार्डबोर्ड बॉक्स। आप ऐसे ही कोई भी पुराना बॉक्स ले सकते हैं, चाहे तो कार्टन ले सकते हैं, शू बॉक्स ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। बॉक्स की चार साइड्स होती हैं, तो आपको लैंप के लिए तीन साइड्स यूज करनी है, एक फ्रंट और ये दो साइड। बैक का हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो नजर नहीं आएगा। तो फ्रंट पे पहले मार्किंग बनाऊंगा, तो मैंने ये एक बड़ी विंडो बना ली है। अब इसको हमें कट करके निकालना है। जो भी हमारा कैरेक्टर आएगा वो एक सिलुएट फॉर्म में होगा, तो ये विंडो बड़ी होना जरूरी है, लेकिन साइड विंडो से लाइट बाहर आएगी, इसलिए ये विंडो हम छोटी बनाएंगे। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये पार्ट होगा वॉल के क्लोज, जहां से ये लाइट बाहर आएगी, इसलिए आपको ये विंडो पास में बनानी है वॉल के, ताकि जो भी लाइट आएगी वो वॉल के ऊपर गिरे। और जब आप कट कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। ओके, तो लैंप का स्ट्रक्चर रेडी है। नाउ वी नीड अ कैरेक्टर। तो क्या कैरेक्टर बना सकते हैं? लेट्स मेक अ क्रीचर ऑफ द नाइट, लेट्स मेक अ बैट। तो बॉक्स बोर्ड लेंगे और बैट के लिए एक ड्रॉइंग बनाएंगे। कैरेक्टर चूज करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो भी कैरेक्टर आप चूज कर रहे हैं उसकी सिलुएट जो है, यानी उसका फॉर्म जो है, वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं बैट बना रहा हूँ, तो बैट का फॉर्म बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। उसकी बॉडी का शेप, किस तरह वो फ्लाई करते हैं या हैंग करते हैं, और दूसरा उनके ईयर्स यानी उनके कान, वो बहुत यूनिक होते हैं और आप आसानी से उसके सिलुएट को पहचान सकते हैं। स्केच कंप्लीट हो गया है, इसके बाद आपको इसे क्लीनली कट करना है। तो जब आप इसे कट कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने इसे क्लीनली कट किया है, और कुछ चीज़ें जो हमने यहाँ मार्क की थी, जैसे ये इसके बॉडी के ऊपर कुछ पैटर्न्स हैं, इसकी आँख और दांत, वो भी मैंने क्लीनली कट करके निकाला है, ताकि इसके थ्रू जब लाइट पास होगी तो ये इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन सिल्वेट आपको ब्लैक नज़र आएगा, इसलिए आप उसमें थोड़ा कलर ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगा ये कलर्ड जेल पेपर। तो यहाँ पे मेरे बॉक्स के अकॉर्डिंग मैंने कलर्ड जेल पेपर को कट किया है। इसके ऊपर हमें अपने कैरेक्टर को चिपकाना है। आपको इसकी पोजीशन ध्यान रखनी है कि जहाँ पे भी विंडो है ठीक उसी के अलाइनमेंट में आपको अपने कैरेक्टर को चिपकाना है। ओके, तो ये है पोजीशन जहाँ इसे चिपकाना है। चिपकाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ वाइट ग्लू। अब इसको बॉक्स में अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे हमने जेल पेपर को और कटआउट को बॉक्स के साथ अच्छे से चिपका दिया है। चलिए इसे सूखने के लिए रख देते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हमें इस विंडो के लिए एक कटआउट बनाना है, जिससे कि हमें विंग का फॉर्म मिलेगा। विंग के लिए मैं बॉक्स बोर्ड की एक और शीट ले रहा हूँ, और इसके ऊपर हम विंग की शेप ड्रॉ करेंगे। विंग का शेप कट करते हुए आपको और केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पे हम ये कटआउट नहीं यूज करेंगे, हम लेंगे ये स्टेंसिल, जिसके थ्रू लाइट जब बाहर निकलेगी तो वो हमें ये फॉर्म दिखाएगी। तो ये हो गया एक विंग के लिए, और ये हो गया दूसरे विंग के लिए। अब ये दोनों विंग हमें बॉक्स के साइड पे चिपकाने हैं। अभी आप देखेंगे कि जो हमारा बैक है उसके विंग्स एक्चुअली में ऐसे फॉर्म होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इस पेंसिल को उल्टा चिपकाया है। वो इसलिए क्योंकि जब ये पैटर्न वॉल पे गिरेगा तो विंग जो है ऑटोमेटिकली सीधा नजर आएगा। तो ये हमेशा उल्टा चिपकाना है। तो जो भी आप कैरेक्टर डिजाइन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो लैंप रेडी है, अब इसको चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये हमने प्लेस कर दिया है लैंप को लैंप बेस पे। अब इसका इफेक्ट देखते हैं। लाइट्स ऑफ।
और ये हो गया है हमारा बैक एकदम कंप्लीट। तो देखा आपने कैसे इस इनकम्प्लीट आर्ट लैम्प को हमने लैम्प बेस पे रख के कंप्लीट कर दिया है।